Yeah, hello guys. So I'm back after 2.5 months. आपने गोंजाओ के बारे में काफ़ी सुना है, बेसिकली मेनलैंड चाइना के बारे में. यहाँ पे सिचुएशंस बहुत ही ख़राब है. रोड पे आपको सभी कोरोना पेशेंट मिलेंगे और हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है. वहाँ पे काफ़ी तादाद में लोग हैं और फ्यूनरल्स के लिए भी आपको लाइन लगानी पड़ रही है. कोई जगह नहीं मिल रही है. तो ये सब न्यूज़ वगैरह में आप काफ़ी सुना होगा आपने. और थोड़ा मैं सरप्राइज़ हुआ जब मैं इंडियन चैनल स्विच किया, तो मैं थोड़ा सरप्राइज़ हो गया ये सब चीज़ देखते कि बहुत ही सिचुएशंस ख़राब, बहुत ही ज़्यादा ख़राब. और थोड़ा शॉक भी हो गया मैं ये सब देख के कि ये सब चीज़ें हमारे इंडिया में मीडिया में और बाकी न्यूज़ चैनल्स और कुछ यूट्यूब्स वगैरह में लोगों ने पोस्ट कर रखे हैं, जो कि बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है. क्योंकि मैं फिज़िकली यहाँ पे हूँ, गोंजाओ चाइना में हूँ, जो कि सदर्न पार्ट ऑफ चाइना में है. और मैंने ऐसे सिचुएशंस यहाँ कुछ भी नहीं देखा है. और मैं बाहर निकलता हूँ एक नॉर्मल लाइफ की तरह. बस मास्क एक ज़रूरी है, मास्क पहन के आपको जाना है. सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो मेंटेन करनी है. एकदम नॉर्मल लाइफ है यहाँ पे. तो मैं आज आपको कुछ वीडियोस यहाँ की आपको शेयर करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे हमारे रिलेटिव्स और हमारे फ्रेंड्स ने हमें पिंग किया और उन्होंने कहा कि ऐसी सिचुएशंस है तो आप हमें कुछ विजुअल्स भेज सकते हैं क्या. तो कायदे से अगर देखा जाए तो कुछ विजुअल्स भी भेजना ये इनअप्रोप्रिएट लगता है इन टर्म्स ऑफ अगर आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कुछ कुछ ऐसी चीज़ें जो कि एक्चुअल में है ही नहीं. तो मैंने काफ़ी लोगों को कन्विंस किया कि नहीं, हम लोग बिल्कुल नॉर्मल है और यहाँ पे लाइफ बिल्कुल नॉर्मल है. और जो कोविड का जो वेव यहाँ चल रहा है ये एक फ्लू है. और यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने भी यहाँ पे इस चीज़ को कॉमन कर दिया है कि ये फ्लू है और आप नॉर्मल दवाइयाँ खा के अपने आप को केयर कर सकते हैं. तो मैंने सोचा कि चलिए हम एक वीडियो ही बना के भेज दें, एक लाइव बिना एडिटेड. मैं कोई इसमें एडिट नहीं करूँगा, कुछ कट और कुछ नहीं करने वाला हूँ. मैं डायरेक्ट ये वीडियो को एज़ यूजुअल मैं यूट्यूब पर डाल दूंगा और बाकी सोशल नेटवर्क पर डाल दूंगा, ताकि आप खुद देखें और इस चीज़ को समझें कि ये लाइफ बिल्कुल ही नॉर्मल है और दुनिया को इस चीज़ से घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है. तो चलिए मैं आपको स्टार्ट करता हूँ. मेरे घर के पास में ही जो है एक नॉर्मल लाइफ है. तो आप ये देखिए, ये डिलीवरी बॉय है, वो डिलीवर करने जा रहा है, पर हाँ मास्क वगैरह पहन रखा है. और देखिए आप जो है टैक्सीज़ वगैरह हैं वो जा रही हैं, टैक्सीज़ आ रही हैं. एक नॉर्मल लाइफ की तरह सब कुछ चल रहा है. यहाँ पे सभी शॉप्स ओपन है, आप एक भी शटर डाउन नहीं देखेंगे. शॉप्स बिल्कुल ओपन है. जितने भी यहाँ पे कस्टमर्स हैं, अभी तो लंच आवर है तो इनका ब्रेक टाइम ही होता है, तो कस्टमर्स हैं वो आ रहे हैं, बैठ रहे हैं. और डिलीवरी बॉयज़ भी हैं, वो लोग भी हैं ऐसे. तो सभी शॉप्स ओपन हैं, कुछ भी क्लोज़ नहीं है. आप ये देख सकते हैं यहाँ पे इतनी सारी साइकिलें लगी हुई हैं, तो मतलब ऑपरेशनल है. तभी ये लाइव साइकिलें वो लगी हुई हैं, लोग आ रहे हैं और ट्रैवल कर रहे हैं. ये बंदा देख के शॉपिंग करके निकल रहा है. तो बिल्कुल नॉर्मल लाइफ है. और ये साइकिल को आप देखिए, जो कि हम लोग किराए पे लेते हैं. एक ऐप को हम लोग स्वैप करते हैं, स्कैन करते हैं. और स्कैन करने के बाद जो भी 1 yuan और 0.5 yuan जो भी लगता है हम पे करके, और फिर इसको एज रेंट लेकर ट्रैवल करते हैं एक आध घंटे के या 15-20 मिनट जो भी है. और फिर वापस जहाँ है कहीं पे पार्किंग लगा देते हैं. तो ये इन्होंने गलत जगह पार्किंग लगा रखी है. ये पार्किंग की ये जगह नहीं है, पार्किंग की जगह वहाँ पे है. तो कुछ लोग होते हैं अपने जैसे, कुछ लोग हैं जो थोड़े से रूल्स तोड़ते हैं. बट कायदे से इन्होंने ये बना रखा है जगह कि आप पार्किंग यहाँ यहीं लगाएंगे. तो आप देखिए एकदम बिल्कुल नॉर्मल लाइफ है. मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ पे कुछ ऐसी डरने की कोई बात है. जहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग मर रहे हैं और हॉस्पिटल में जगह नहीं है, ऑक्सीजन की कमी हो गई है. चलिए मैं आपको कुछ शॉप्स में भी चल के दिखाता हूँ लोग क्या बोलते हैं, लोगों का रिएक्शंस क्या है. तो रिएक्शंस बिल्कुल ही नॉर्मल है. आप देखिए यहाँ पे ये सिगरेट की दुकान है. खैर मैं स्मोक नहीं करता हूँ. ये बंदा खा रहा है बिल्कुल नॉर्मल लाइफ की तरह. देख लूँ यहाँ क्या मिल रहा है. वेजिटेबल्स का एक छोटा सा शॉप बना रखा है, बट हम मास्क सभी को लगा के जानी है. नॉर्मल की तरह लोग खा रहे हैं, आप देख सकते हैं. और ये बंदा है, चल रहा है.
चलिए तो हम लोग थोड़ा आगे चलते हैं। कोई भेदभाव अभी तक हमने नहीं देखा है कि आप कोरोना है या नहीं है। ये देखिए इसकी ऑफिसेज़ वगैरह खुले हुए हैं, कुछ ऑफिसेज़ हैं वो खुले हुए हैं, बिल्कुल खुले हुए हैं। तो ये मैं अभी ग्वांजाओ की बात कर रहा हूँ, मैं जहाँ ग्वांजाओ जहाँ पे ये मेट्रो सिटी है, तो कुछ भी इम्पैक्ट होता है तो मेट्रो सिटी में ही होता है। और ये मेडिकल शॉप्स हैं यहाँ पे, कुछ गाइडेंस नहीं है, आप आराम से आएँ दवाइयाँ लें। और गवर्नमेंट ने काफ़ी प्रमोट किया हुआ है इस चीज़ को, दवाइयाँ लेने की, कि आपको दवाइयाँ लें और खुद ही खुद से ठीक हो जाएं। तो धीरे धीरे हम लोग बढ़ते हुए, आप ये देखिए एकदम नॉर्मल लाइफ है। ये देखिए यहाँ पे ये क्रॉसिंग था और लोग रुक गए थे। यहाँ पे कोई रेड लाइट या ट्रैफिक लाइट है नहीं, बट यहाँ पे काफ़ी अच्छा एक रूल है कि अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हैं बच्चे के साथ, या फिर आप कोई ज़ईफ़ है, अगर आप रोड क्रॉस कर रहे हैं तो सभी गाड़ियाँ हैं ऑटोमेटिकली वो रुक जाएगी। देखिए वो यहाँ कोई ट्रैफिक लाइट नहीं है, पर ये दो बंदे हैं, इन्होंने क्रॉस किया तो खुद ब खुद रुकनी है। आपको मैं एग्ज़ाम्पल अभी दिखाता हूँ। देखिए मैं अब रोड क्रॉस करने जा रहा हूँ, ठीक है, वहाँ पर गाड़ियाँ आ रही हैं तो वो खुद ही रुकेगा। वो देखिए मैं क्रॉस कर रहा हूँ, ये खुद उनका रुकना है, ये इन्होंने बना रखा है। और ये भी देखिए मैं यहाँ क्रॉस करूँगा। अमूमन मैं जब तक कोई गाड़ी नहीं आती मैं क्रॉस नहीं करता जहाँ ट्रैफिक लाइट नहीं है। अगर ट्रैफिक लाइट है तब तो आप ट्रैफिक लाइट को ही आपको फॉलो करना होता है। ये देखिए ये ड्रेनेज है, सब घर के जितने भी ड्रेनेज दरी बना रखा है इन्होंने, और काफ़ी क्लीन है, क्लीन ही रखा है। देखिए काफ़ी नॉर्मल है चीज़ें। तो चलिए हम थोड़ा आगे बढ़ें, आगे बढ़ के आपको दिखाते हैं। ये गाड़ियाँ वगैरह आप देख के आप खुद ही बता सकते हैं कि यहाँ ऑफिसेज हैं, ऑफिसेज के लोग लाइन में अपनी गाड़ियाँ लगा रखा है। और ये डिलीवरी बॉय है, वो डिलीवर करने के लिए वो भी परेशान है। तो ये सब चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल लाइफ है, कुछ ऐसी आपको डरने की कोई बात नहीं है। अगर किसी ने आपने हाँ हाय अगर किसी ने आपको ये बता रखा है कि चाइना में सिचुएशंस बहुत ही ख़राब है, तो आई थिंक मीडिया में सिचुएशंस बहुत ख़राब है, हमें मीडिया को करेक्ट करना होगा और लोगों को ये बताना होगा डरने की बात नहीं है। आपकी अपनी लाइफ है, आपका अपना बिजनेस है, आप उस पर फोकस करें, उसके ग्रोथ पर फोकस करें। हम लोगों ने 2-3 साल ऐसे ही वेस्ट कर दिया है, बहुत लोगों के बिज़नेस भी ख़राब हुई है। तो आप कोशिश ये करें कि अपने पर्सनल लाइफ पे, अपने पर्सनल करियर एंड प्रोफेशनल कल्चर पे ज़्यादा फोकस करें, और ये सब नेगेटिव न्यूज़ से आप बचें, क्योंकि मुझे लगता है कि ये नेगेटिव न्यूज़ ही हमें अपने अंदर से तोड़ देता है और हम लोग इस पे बिलीव ही नहीं कर पाते कि शायद से अगला साल हमारा अच्छा होगा या नहीं होगा। तो इस पे आपको बिल्कुल नहीं डरना है। ये देखिए हमारे सफाई कर्मचारी हैं जो सफाई कर हाय हाय, तो सफाई कर्मचारी हैं जो कि एक नॉर्मल लाइफ। और ये देखिए चाइना पोस्ट, जैसे हमारे में इंडिया पोस्ट है वैसे ही चाइना पोस्ट भी है। तो ये आप लोगों से गुजारिश है कि ऐसे थॉट्स ना लाएं जिससे आप खुद अपने आप को फील करें कि कुछ तो ख़राब होने वाला है इन फ्यूचर पर।